तो हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूँ दीपिका, दीपिका व्लॉगिंग से। और आज मैं एक स्किन केयर रूटीन में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो मैं डेली रूटीन में फॉलो करती हूँ, आप भी कर सकते। अभी बहुत प्रॉब्लम्स देख रही हूँ स्किन में, तरह तरह के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं बहुत से लोगों के। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स मैंने देखा है पिगमेंटेशन की, जिसे हिंदी में छाइयां बोलते हैं। तो मैं इसी के लिए ये टिप्स लेके आई हूँ कि मैं अपने फ्रेंड्स को शेयर करूँ, क्योंकि बहुतों के कमेंट्स ये भी आते हैं कि मैंने पीछे जो वीडियो बनाई थी कंचन काया के ऊपर, उसमें 20K से ऊपर लेके व्यूज आए हैं, और उसके ऊपर दोबारा भी मैंने बनाया है। उसमें बहुत सारे कमेंट्स ये होते हैं कि ये वाली क्रीम मिलेगी कहाँ, ये वाली क्रीम ओरिजिनल नहीं है तो डुप्लीकेट है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आपको नहीं मिल रहे हैं इस तरह के क्रीम, तो इसी के लिए मैं ये टिप्स लेके आई हूँ। अगर आप ये भी फॉलो करोगे तो आपकी स्किन में जितनी भी प्रॉब्लम है, आप यकीन मानो, आप अगर वन वीक फॉलो करते हो ना, तो आपकी स्किन बहुत ही मतलब सुंदर बन जाएगी, बहुत ही मतलब क्लियर हो जाएगी आपकी स्किन, सभी दाग धब्बे पिगमेंटेशन सभी क्लियर हो जाएंगे अगर आप रूटीन वाइज फॉलो करते हो। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए मैं भी सारा दिन पार्लर से होके आई हूँ, एंड मार्केट भी जाना पड़ जाता है मुझे, मार्केट भी जाती आती रहती हूँ। तो मेरे स्किन भी देखिए, सारा दिन में थोड़ा सा स्किन डल हो गई है। हमारे स्किन ना मतलब डेली हम अपने स्किन की केयर हमें करना चाहिए, जैसे हमें पानी पीने की जरूरत है, वैसे हमारी स्किन को केयर की जरूरत है, क्योंकि हमारी स्किन डेली डैमेज होती है, एंड डेली उसे रिकवर करने की जरूरत है, डेली क्लीन करने की जरूरत है, डेली फेस में भी जान डालने की जरूरत है। तो मैं यही करने वाली हूँ। तो वैसे ये मैंने कुछ प्रोडक्ट रखे हैं यहाँ पे, जो मैं अभी अपनी स्किन के लिए यूज़ करने वाली हूँ, अप्लाई करने वाली हूँ। सबसे पहला जो नंबर है विटामिन ई का कैप्सूल है, एंड सेकंड नंबर जो है पतंजलि का एलोवेरा जेल है, जिसमें केसर और चंदन ऐड है। थर्ड नंबर में जो है वो गुलाब जेल है। फोर्थ नंबर में है वेप्स, जो फर्स्ट नंबर में ही यूज़ होगा सबसे पहले नंबर में। उसके बाद है कोटन, उसके बाद मैंने राइस पाउडर लिए, उसके बाद मैंने मिल्क लिए हैं। अभी इसमें मैंने एक लिप बाम रखना भूल गई हूँ, जो मेरे पास ही है, बट मैं यहाँ पे दिखाना भूल गई। एंड उसके बाद एक चीज़ और रखना था जो मेरे पास अभी ख़त्म है, वो है हनी, जो हमारे स्किन के लिए टाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग का काम करती है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ये हनी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इन सभी चीज़ों को यूज़ करूँगी, और कैसे कैसे करूँगी स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो में बने रहिए। और मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स दिखाए हैं एक एक करके मैं यूज़ करूँगी। सबसे पहला जो मैं करूँगी वो है क्लींजिंग, मैं क्लींजिंग करूँगी। तो सबसे पहले ये वाली, ये डीपॉक है, तो इसके मैंने, अगर किसी के पास है तो कर सकते हैं, नहीं तो कॉटन से कर सकते हैं, तो मैं इसी से क्लीन करती हूँ। तो मैं इसे करती हूँ, पहले मैंने क्लीन कर लिया है। ठीक है, क्लीन करने के बाद मैं क्लींजिंग करूंगी, क्रीम से मसाज करूंगी, उसके बाद मैं अपने फेस को क्लीन करूंगी। तो क्लींजिंग के रूट क्रीम लिया है, एक्चुअली क्लींजिंग जो है वो क्लींजिंग भी यूज कर सकते हो और क्रीम से भी कर सकते हो, तो इसे मुझे मसाज देनी है, इसलिए मैं फ्रूट क्रीम यूज करूंगी। तो इसे 2 मिनट मसाज देंगे। और वैसे विंटर सीजन में ना हमारे स्किन को केयर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, विंटर में ना सबसे ज्यादा। अगर समर सीजन में हमारी स्किन जितनी डैमेज होती है उतनी ही विंटर सीजन में भी होती है, तो इसलिए विंटर में सबसे ज्यादा केयर की जरूरत है। एंड जिनकी भी पिगमेंटेशन है वो सनस्क्रीन जरूर यूज करें, और नाइट के टाइम में जो भी पिगमेंटेशन की क्रीम जो यूज करते हैं वो डे में बिना, अगर कहीं भी जाते हो तो बिना सनस्क्रीन अप्लाई किए बिल्कुल भी मत जाना, ये गलती बिल्कुल भी मत करना। तो
फर्स्ट स्टेप मैंने कर लिया है, सॉरी सेकंड स्टेप कर लिया है, तो उसके बाद थर्ड में मैं क्या करूंगी, थर्ड में ये मैंने राइस पाउडर लिया है जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है हमारे स्किन के लिए। इससे सबसे मेन हमारे अभी का टॉपिक में सबसे ज्यादा यही जरूरी है, क्योंकि ये वाली अगर आप पाउडर रोज डेली में यूज करते हो तो आपके फेस के लिए बहुत ही अच्छा है। ये ग्लोइंग स्किन के लिए है, स्किन ब्राइटनिंग के लिए है, तो ये आप यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा इसे। अब इसमें मैंने ऐड करना है मिल्क, अगर आपके पास मिल्क नहीं है, अभी मैं मिल्क ऐड कर रही हूँ ये देख सकते हैं, और उतना ही ऐड करें जिससे कि एक पेस्ट बन जाए। उसके बाद हम मिक्सिंग करेंगे, मिक्सिंग अच्छी तरह से करेंगे। इसमें मैं विटामिन ई की कैप्सूल भी ऐड करूंगी। अगर आपकी स्किन ज्यादा ड्राई है तो आप 2 कैप्सूल यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप 1 करें। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करनी है, एक पेस्ट बना लेना है। ये आपका फेस पैक का भी काम करेगा एंड ये आपके स्किन के लिए स्क्रब भी कर सकते हो। पहले मैं इसे, ये देखिए ये पेस्ट मैंने तैयार कर लिया है, और ये इसमें से जितना भी यूज होगा मैं कर लूंगी। उसके बाद अगर ये बच गया तो फ्रिज में इसे स्टोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसे 1 से 2 दिन या 3 दिन तक इसे स्टोर करके रख सकते हैं। अब मैं इसे अपने स्किन पे अप्लाई करूंगी। इतना बहुत है। उसके बाद अपने फेस को अच्छे से 5 मिनट या 4 मिनट तक आप स्क्रबिंग करें। अगर इससे क्या होगा कि हमारे स्किन में जितने भी डेड स्किन होते हैं वो रिमूव होते हैं एंड डस्ट भी रिमूव होता है। तो फ्रेंड्स स्क्रबिंग मेरी हो चुकी है, तो अब मैं रिमूव करके आती हूँ, मतलब फेस वॉश करके आती हूँ नॉर्मल वाटर से। तो अगर आप स्क्रबिंग करते हो इसी पैक से, मतलब इसी राइस पाउडर से, तो इसके नहीं करेंगे कि स्क्रबिंग डेली नहीं करनी चाहिए, हर 2 दिन के बाद कर सकते हो आप। और स्क्रबिंग करने से अगर स्किन आपकी सेंसिटिव है तो रैशेज भी पड़ सकती है। और जो पैक है, पैक इसलिए हम डेली कर सकते हैं क्योंकि हमारी स्किन पैक से टाइट होती है, तो पैक हम डेली अप्लाई कर सकते हैं अपने स्किन पे, बट स्क्रबिंग हर 2 दिन बाद कर सकते हैं। अच्छा, तो अब मैं इसे वॉश कर, तो फ्रेंड्स मैंने अपने स्किन को क्लीन कर लिया है, फेस को वॉश करके मैं आई एंड ड्राई भी कर लिया है। एक क्लीन टॉवल से आप कर सकते हो, जैसे ये मैंने लिया व्हाइट कलर की, और ध्यान रखना है शार्प टॉवल हो, उससे हम अपने फेस को ड्राई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो हम कॉटन लेंगे, कॉटन लेने के बाद हम रोज वाटर लेंगे। ये कॉटन है, ये रोज वाटर। क्लींजिंग करने के बाद हमारे स्किन के जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। अगर इसे हम बंद नहीं करेंगे तो हमारे स्किन में हम कुछ भी अप्लाई करेंगे, कोई भी क्रीम, सभी में केमिकल ऐड होते हैं, तो वो हमारे स्किन के अंदर चली जाएगी और हमारे स्किन को हार्म पहुंचाएगी। तो सबसे पहले इस रोज वाटर से मैं अपने पोर्स को बंद करूंगी, उसके बाद नेक्स्ट करते। तो इस तरह कॉटन में हम रोज वाटर लेंगे, इसे अच्छे से गीला करेंगे और अपने स्किन पे डैब डैब। अगर आपके पास स्प्रे वाली गुलाब जल है तो और अच्छा है, पूरे फेस में स्प्रे कर लेना। मेरी स्प्रे वाली बोतल मतलब मिल नहीं रही है, मैंने रखा हुआ था बट वो मिल नहीं रही है, इसलिए मैं ये यूज कर रही हूँ। तो इस तरह से पूरे स्किन पे आपको अप्लाई करना है रोज वाटर।
तो फ्रेंड्स, इसके बाद रोज वाटर अप्लाई करने के बाद हमारे पोर्स बंद हो चुके हैं। इसके बाद आप अपने स्किन पे जो भी अप्लाई करते हो, आपके लिए जो भी सुटेबल है, आपके स्किन के लिए जो भी सुटेबल है, नाइट में जो भी आप अपने स्किन में अप्लाई करते हो आप वो कर सकते हो। यहाँ पे मैंने दो ऑप्शन लिए हैं क्योंकि ये मैं दोनों ये भी यूज करती हूँ एंड ये भी यूज करती हूँ, और अभी विंटर सीजन है तो सबसे ज्यादा मैं यही अप्लाई करती हूँ क्योंकि स्किन ड्राई होती है। इससे ये सीरम जो है ये स्किन ग्लोइंग सीरम है एंड स्किन को मॉइस्चराइज कर देती है बहुत अच्छे से। तो अगर स्किन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप ये अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप ये वाली यूज कर सकते हो। तो अभी तो मैं यही करूंगी, एज अ नाइट सीरम है, ग्लोइंग सीरम है, तो अब मैं यही करूंगी। और बहुत सारे फेशियल हो गए, क्लीनअप हो गए, या फिर क्रीम के साथ ऐड करना हो तो मैं यही करती हूँ, और ये ज्यादा भी नहीं करना है, इसके मैं सिर्फ 2 ड्रॉप्स करती हूँ। इसे अपने हैंड में अच्छे से इस तरह से मिक्सिंग कर लें, उसके बाद अपने स्किन पे ऐसे करके तो विटामिन ई कैप्सूल मैंने अप्लाई कर लिया है, और नाइट में मैं यही करती हूँ एंड मॉर्निंग में भी यही करती हूँ। और मैंने एक चीज दिखाना भूल गई, पूरे स्किन के लिए मैंने बता दिया, यहाँ पे लिप्स के लिए भी बहुत जरूरी है, स्किन के लिए जितना जरूरी है उतना लिप्स के लिए। तो लिप्स के लिए आप जो भी यूज करते हो वो आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं लेके आई हूँ लिप बाम, ये मैं दिखाना भूल गई, तो मैं अपने लिप्स पे यही अप्लाई करूंगी। एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो, और जिनको भी अपने स्किन की केयर करनी है वो डेली में करें, डेली स्किन केयर रूटीन को फॉलो करें, मॉर्निंग एंड नाइट को भी। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।